हाँ जी बाबा, में जो पहला कार्ड है, जज्ञा था जो पहला कार्ड है, जो सिद्धा पहले जिस स्थान में आते हैं उसका नाम है जगदम्बा आदि माता आदि पिता, वो अभी गुम है। पहली बात, शिव बाबा प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आते हैं या निवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं? तो पहले एक तन में आते हैं या दो तन में एक साथ आते हैं? दुनिया में भी जब बच्चे की पैदाइश करते हैं तो दो के बुद्धियोग इकट्ठा होने से पैदाइश होती है कि एक के बुद्धियोग से पैदाइश हो जाएगी? तो पहले तो यही बात गलत है कि शिव बाबा जगदम्बा के तन में ही आते हैं। दूसरी बात है, माँ के द्वारा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है क्या? कि बाप के द्वारा ज्ञान की प्रत्यक्षता होती है? ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, तो ज्ञान का फाउंडेशन बाप के रूप में पड़ता है और भक्ति का फाउंडेशन है माँ के द्वारा पड़ता है। इसलिए बोला कि माता साकार होती है अर्थात धरणी का रूप है और बाप बीज है इसलिए निराकार है। प्रत्यक्ष निराकार को करना है या साकार को करना है? तो समझ में आया कि बीच में जगदम्बा क्यों चली जाती है? बेसिक में भी जिसको टाइटल मिला जगदम्बा सरस्वती, वो आदि में आई या बीच में आई? है बीच में आई और बीच में ही चली गई। ऐसे ही एडवांस में भी जो आदि में सो अंत में होता है, जगदम्बा बीच में ही आती है और बीच में ही गुम हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि अंत तक गुम ही बनी रहेगी, जब टाइम आवेगा तो चारों ओर बोलबाला हो जाएगा कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त रखा गया था। बाकी जगदम्बा
स्त्री चोला है, जिस स्त्री चोले के रूप में ब्रह्मा भी पूजा जाता है, पुरुष चोले के रूप में नहीं पूजा जाता है। और पूजन तभी होता है जब पवित्र बनते हैं। तुम बच्चे भी जब पवित्र बनेंगे तो तुम्हारी भी नंबरवार प्रत्यक्षता हो जाएगी। और वो तो केस वापस ले लिया गया। झूठा साबित हो गया। ऐसे तो ब्रह्मा कुमारों ने भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों के खिलाफ केस डाल दिया। छह आठ लोगों के वारंट भी निकलवाए। फिर तो सच्चाई रहती है और झूठ तो झूठ साबित हो जाता है। और वे माने विशेष और भीषण माने भयंकर। विशेष भयंकर कौन है? कहते हैं विभीषण कहां का वासी था? है? लंका का वासी था, रावण राज्य में था। फिर रावण राज्य को त्याग कर किसकी रहबरी में आ गया? राम की रहबरी में आ गया। यहां भी जितने बैठे हैं पहले किसकी रहबरी में थे? रावण की रहबरी में थे, अब राम की रहबरी में आए हैं। तो सब नंबरवार विभीषण है। रावण के राज्य में रावण संप्रदाय के लिए रावण ज्यादा खतरनाक था, कुंभकर्ण ज्यादा खतरनाक था, मेघनाथ ज्यादा खतरनाक था या विभीषण ज्यादा खतरनाक था? है? विभीषण ज्यादा खतरनाक था। तो ये सारी दुनिया रावण संप्रदाय है। इन रावण संप्रदायों के लिए सबसे जास्ती खतरनाक कौन है? विभीषण खतरनाक है, जो सारी दुनिया की राजाई अपने मुट्ठी में लेने वाले हैं। सारी दुनिया तुम बच्चों के दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना। और गुरु महर्षि का पैर कोई मुरली में आया, कोई अव्यक्त वाणी में बात आई या क्लेरिफिकेशन में आई या टीवी में आई, है? कहां से आई?
अभी अभी बोला, बाप शास्त्रों का सार समझाते हैं। इसका मतलब शास्त्रों में सार है या नहीं है? है। भले टीका टिप्पणी जिन्होंने शास्त्रों की है उनकी समझ में नहीं आया है, तो वो शास्त्रों के सार की बातें बाप बताते हैं। बाकी जितना भी शास्त्रों में भरा हुआ है वो क्या है? भूसा है, छोड़ दो। और जोर से बोलो ना, जब लड़ाई लड़ते हो तो खूब जोर से बोलते होगे। है धर्म प्रबल है, संन्यास धर्म का बाप प्रबल नहीं है। अरे ये कैसे कह दिया? भारतवर्ष में ढेर के ढेर धर्म वालों ने आकर के अपना कब्जा जमा लिया, बौद्ध धर्म वाले प्रबल हो गए, इस्लामी प्रबल हो गए, क्रिश्चियन प्रबल हो गए, मुस्लिम प्रबल हो गए, फिर सब धर्मों का काट किसने किया? सन्यासियों ने किया या सन्यासियों के मुखिया ने किया? शंकराचार्य ने किया, शंकराचार्य ने किया। भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना कर दी और तब धर्म वालों का खंडन कर दिया। परंतु सिर्फ खंडन करने से काम नहीं चलता है, पहले सच्चे धर्म की स्थापना भी करनी पड़े। पहले स्थापना या पहले विनाश? पहले स्थापना होनी चाहिए। तो स्थापना के बारे में उल्टी बात बता दी, आत्मा सो परमात्मा कर दिया, इसलिए स्थापना तो हो नहीं सकी। स्थापना जब प्रत्यक्ष नहीं होगी तो विनाश भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए जब कलयुग आया तो और धर्म वालों ने जोर से भारत को दबोच लिया। अभी तो बाप आया हुआ है, सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर रहा है। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरा विनाश हो जाएगा। ये गुरुद्वारे, ये गिरजाघर, ये बौद्ध मठ वगैरह, ये सब चलने लग पड़ेंगे। हिंदुओं के भी जो अनेक प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, मठ पंथ संप्रदाय, वो सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, ऐसी एकत्व की स्थापना हो जाएगी, तब विनाश होगा। तो ऐसे नहीं है, सन्यास धर्म का तो मुखिया ही नहीं है और वो प्रबल नहीं है। बाप ने तो बोला है ये सन्यास धर्म के जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। उनमें क्या खासियत है? है प्योरिटी है जन्म जन्मांतर की,
भले हद की प्योरिटी है, बेहद की प्योरिटी के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है, फिर भी पवित्रता के प्रति लगाव तो है ना, इसलिए वो पावरफुल आत्माएं हैं। झाड़ के चित्र में भी सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई गई है, उस जड़ के मुकाबले और जड़ें तो पतली पतली हैं। सन्यास धर्म की जड़ सबसे मोटी है, ये प्योरिटी की पावर दिखाई गई है। और बाबा ये मुरली का पॉइंट है, बाबा ने ये पुराना फूल लिया है, बच्चे भी ये पुराना फूल खरीद के देखो है, बाबा ने ये पुराना फूल लिया है बूट है, तुम बच्चे भी पुराना बूट खरीद के देखो, पुराना बूट खरीद के, हाँ खरीद के देखो, हाँ ऐसा ये मुरली में आया है, तो खरीदने का अर्थ क्या है? खरीदने का अर्थ यह है कि जब चीज कोई खरीदी जाती है तो उसका मूल्य भी अदा करना पड़ता है, बिना मूल्य दिए कोई चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती है। तो बाप जिस पतित तन में आते हैं और उस पतित तन के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं, वो बूट उन्हीं को मिलता है जो तन मन धन समय संपर्क संबंध की सारी कीमत लगाते हैं। नंबरवार कीमत देते हैं और नंबरवार प्राप्ति करते हैं। और रोज भी खुशी का प्याला पिलाते हैं, खुशी का प्याला, प्याला का मतलब कटोरा, कटोरी। और अभिक्त मणि में कहा है ये वाइब्रेशन के लिए हर एक आत्मा निमित्त है, तो ये वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना वाइब्रेशन होता है, जैसी जैसी जिसके अंदर सोचने विचारने की शक्ति होती है वैसा ही वाइब्रेशन बनाता है। वाइब्रेशन कहो, वायुमंडल कहो, हर एक का अपना अपना वायुमंडल वाइब्रेशन है। ये बुद्धि की एकाग्रता से संबंधित बात है। जितना जितना बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन या वायुमंडल प्रभावशाली बनता जाएगा। क्यों प्रभावशाली बनेगा? दुनिया वालों के मुकाबले हमारा वायुमंडल, हमारा वाइब्रेशन ज्यादा प्रभाव फैलाएगा, क्योंकि हमको एकाग्रता की शक्ति मिली हुई है। एक के आगे हमारी बुद्धि अग्रसर रहती है, वो एक दुनिया की सबसे पावरफुल आत्मा है, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। ये शिष्ट हम ब्राह्मणों को ही मिली है,
वायुमंडल को बनाने की, वाइब्रेशन को बनाने की, जब ये पावर हमको प्राप्त हो जाएगी तो वाचा की जरूरत नहीं रहेगी, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस दृष्टि से देखा और वाइब्रेशन फैल गया। एकदम लास्ट की स्टेज में जब पहुंचेंगे तो दृष्टि से देखने मात्र की भी जरूरत नहीं रहेगी। दुनिया के एक कोने में बैठ करके दुनिया के दूसरे कोने पर वाइब्रेशन फेंक सकते हैं। जैसे अभी साइंस बेतार के तार द्वारा, वायरलेस के द्वारा दुनिया के किसी भी हिस्से में संदेश पहुंचा देता है, वो साइंस के तो फिर भी स्थूल साधन है। हमारी आत्मा तो स्थूल नहीं है, एकदम अव्यक्त है, आंखों से देखी नहीं जा सकती और किसी यंत्र से पकड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसी आत्मा का वाइब्रेशन पावरफुल हो जाएगा, जो एक स्थान पर बैठे बैठे एक ही सितारा अपने 84 जन्मों से कनेक्टेड पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। जो मुरली में बोला है, एक एक सितारे में एक एक दुनिया भरी पड़ी है। तो ऐसी वाइब्रेशन की पावर हो जाएगी, सारा वायुमंडल बंध जाएगा। जैसे माला में मणके बांधे जाते हैं, ऐसे इसने के सूत्र में वायुमंडल में वाइब्रेशन में आत्माओं का सारा संगठन बंधा हुआ होगा। और अब मनुष्य में बुद्धि और विवेक वो दो चीज है, बुद्धि क्या है और विवेक क्या है? विवेक ज्ञान से कनेक्टेड है और बुद्धि तो स्वयं ही आत्मा है जो मन को कंट्रोल करती है, संस्कारों को भी कंट्रोल कर सकती है। अगर बुद्धि स्वयं एकाग्र है विवेक जागृत होता है परमपिता परमात्मा से, उन्होंने तो भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है रामकृष्ण परमहंस, उनका चेला विवेकानंद। विवेक में आनंद लेने वाला, वास्तव में विवेक जागृत करने वाला ईश्वरीय ज्ञान है जो ब्रह्मा की वेदवाणी से आता है, और वेदवाणी का क्लेरिफिकेशन जब परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है तो विवेक जागृत हो जाता है। बाकी
इस दुनिया में सदैव विवेकी कोई होता नहीं है। ये विवेक जागृत नहीं रहता है, परमपिता परमात्मा में सदैव विवेक जागृत है। नाम ही है विवेक, विमानी विशेष, और एक से ही वो विवेक जागृत होता है। बाकी बुद्धि रूपी जो आत्माएं हैं वो तो सदैव हैं ही हैं। इस सृष्टि पर आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। आत्मा माने ही मन बुद्धि। परंतु आधा कल्प इस मनुष्य सृष्टि में विवेक का नाम निशान नहीं होता। तो बोला है देवताएं बुद्ध होते हैं, देवताओं को विवेक ही नहीं कहेंगे। विवेक सिर्फ जागृत होता है संगम युग पर, द्वापर युग में भी द्वैतवाद चलता है। शास्त्र में द्वापर के आदि में सतो प्रधानता होने के कारण कुछ न कुछ विवेक ही पंथा। शास्त्र लिखने वाले भी विवेकी थे, बाद में शास्त्र भी तमो प्रधान हो गए। जैसे कि विवेक नष्ट हो गया, तो विवेक को जागृत करने वाला है परमपिता परमात्मा, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। बाकी मन बुद्धि आत्माएं तो अनेक हैं, जितने मनुष्य हैं उतनी मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं। नंबर वन, हाँ, कोई की बुद्धि डल है, कोई की बुद्धि फास्ट है। वैज्ञानिकों की फास्ट बुद्धि तो कहेंगे, परंतु विवेक ही नहीं कहेंगे। क्योंकि जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी डाली को काटने का प्रयत्न कर रहे हैं, एटमिक एनर्जी बना रहे हैं, दुनिया को ही नष्ट कर देंगे, ऐसी चीज बनाई हुई है, उसको विवेक ही नहीं कहा जाता। विवेकी वो है जो अपने भी रक्षा करे और सारी दुनिया की रक्षा करे। अमृत वेला में याद तो करना है, अमृत वेला में याद तो करना है। तो अभी पानी में जो पुलिस समझाए दिल्ली में सेवा के प्लान्स चलने चाहिए, और हम कहते हैं कि अमृत वेला में विचार सागर मंथन होना चाहिए, तो क्या तीनों भी एक ही इवेंट है? विचार सागर मंथन देव आत्माएं करती हैं या मनुष्य आत्माएं करती हैं? है ब्राह्मण मनुष्य है या देवता है? मनुष्य आत्माएं जिनकी कोटि नीची है वो विचार सागर मंथन करती है। वो ब्राह्मण मनुष्य जब संपन्नता को प्राप्त होंगे तो बुद्धि एकाग्र होने से, अपने स्वरूप की जानकारी मिल जाने से उनका विचार सागर मंथन समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि स्टेज पकड़ ली, फिर विचार सागर मंथन की दरकार ही नहीं। परंतु वो विचार सागर मंथन भी कहां से आता है, जो प्रैक्टिस करते करते अपने 84 जन्मों को भी जान जाते हैं। 84 जन्मों में सबसे जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है उस पार्ट को भी पहचान जाते हैं। वो स्टेज को प्राप्त कराने वाला कौन है, कोई है या नहीं है, कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा है। जो सारे संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, सारे संसार की मनुष्य आत्माओं को उस एक के द्वारा, एक की स्मृति के द्वारा, जो मनन चिंतन मंथन की शक्ति प्राप्त होगी, उसके द्वारा अपने अनेक जन्मों को जानेंगे। तो सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज कौन सी हुई? वो एक नरक निराकार परमपिता परमात्मा की स्मृति सबसे ऊंची हुई, या मनन चिंतन मंथन की स्टेज सबसे ऊंची हुई, या देवताओं की बिंदु रूप स्टेज सबसे ऊंची हुई? कौन सी स्टेज सबसे ऊंची है? एक बाप की याद। वो एक बाप जिस मनुष्य तन के द्वारा भी संसार में प्रत्यक्ष होता है, जो बोला है कि जो भी सुने, जो भी देखे, उसके मुख से ये आवाज निकले कि मेरा बाप आ गया, तो सुनने वाला सुनेगा तो क्या परमधाम से बिंदु में से आई हुई आवाज सुनेगा? किससे सुनेगा? कोई न कोई साकार एक निमित्त बनता है। जो देखे, क्या निराकार ज्योति बिंदु देखने में आता है? नहीं, वो निराकार साकार में आके प्रत्यक्ष होता है, और निराकारी स्टेज के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बच्चों के लिए भी बोला है कि तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जो बच्चे जितनी अव्यक्त स्टेज को धारण करेंगे, उतना बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तो मनन चिंतन मंथन याद की सेकेंडरी स्टेज है, सूक्ष्म वतन की बीच वाली स्टेज है। उससे भी ऊंची स्टेज कौन सी है? सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा वतन कौन सा है? निराकारी लोक। उस निराकारी लोक में जो जो स्थित होते जाएंगे, वो अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे। उनको फिर मनन चिंतन मंथन सोचने आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। और आज की दिल्ली में लास्ट पॉइंट आया, आज 5000 साल पहले लक्ष्मी नारायण कराया था,
है सियासत की मूल्य है। हाँ वो कहीं की भी हो, हाँ सियासत की मूल्य है। सियासत में तब तक पाप मिला है, तब तक पाप यज्ञ में प्रवेश नहीं, पुनः प्रवेश नहीं किए। हाँ जैसे 69 में पुनः प्रवेश का होने के बाद हमारा पुराना मूर्ति में है आज से 10 वर्ष का 5,000 साल पहले लक्ष्मीनारायण का राज था, वो भी 66 का मूल्य था। इस समय के हिसाब करके हम लोग 76 में सेट कर रहे थे, आप हो गए ये बाबा ने एग्रीग्रेट बताया है, फिक्स नहीं बताया 5,000 वर्ष, इसलिए ऐसा बोल दिया। हाँ जी लक्ष्मी और नारायण दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे तब विष्णु कहा जाएगा या पहले ही विष्णु कहा जाएगा? एक हो जाएंगे तो जरूर 66 में वो लक्ष्मी का पद पाने वाली आत्मा यज्ञ में आ चुकी है, इसलिए ये वाक्य बोला गया। और बाबा ध्यान देने के लिए इतना बैठा है, आप ही नहीं बैठे हो बाबा, इस रथ में ध्यान देने के लिए कितना बैठा है, अभी नहीं बैठे हो बाबा ज्ञान देने के लिए जिस रथ में, हाँ कितना बैठा है बाबा ज्ञान देने के लिए इस रथ में कितना भटका है? हाँ अभी नहीं भटके, अभी उतना नहीं भटकेंगे। हाँ मतलब ये बात जब बोली गई है ब्रह्मा का द्वारा मौजूदे में रह के ज्ञान सुनाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ कल ये भी तो हो सकता है कि कल्प पहले की बात सुना रहे हो, ये वाक्य है जब बाबा बोल रहे हैं तो कल्प पहले जो हुआ है रथ के द्वारा बच्चों को ज्ञान देने के लिए कल्प पहले जितना भटकना पड़ा है उसकी बात बता रहे हूँ। ऐसा कहाँ बोला? आप जो वाक्य पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ ये बात बोली गई? वो वाक्य पूरा लाओ ना, ये तो बात आप अपनी बात अलग गलत फहमी को साबित करने के लिए बोल रहे हैं। है तो लाओ वाक्य, वो वाक्य निकाल के लाओ ना। और ये वाणी उस समय की बोली हुई है जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे और मुकर्रर रथ के लिए बाबा को भटकना नहीं पड़ा था और वो रथ भी नहीं भटक रहा था, उस समय का ये वाक्य है। तो वो कल्प पहले के लिए साबित होता है, इस कल्प के लिए साबित नहीं होता, क्योंकि वाणी ब्रह्मा के मुख से बोली गई है। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे, ये क्लैरिफिकेशन का महावाक्य नहीं है, मुरली का पॉइंट है, टीचर के मुख के द्वारा बोला हुआ पॉइंट नहीं है। जिस टीचर के लिए बोला है कि बाप टीचर और सदगुरु एक ही तन के द्वारा तीनों पार्ट बनते हैं, एक ही है, ऐसे नहीं कि टीचर अलग है बाप अलग है और सदगुरु अलग है।
तो जिस समय मुरली चलाई गई है उस समय तो ये बात लागू ही नहीं होती। तो जरूर कल्प पहले की तरफ इशारा किया। और है अरे जब शरीर छोड़ा ही नहीं ब्रह्मा ने तो प्रवेश कहाँ से करेगी। ब्रह्मा ने तो जब बोला है उस समय की ये बात है। ब्रह्मा ने ये वाक्य जब बोला है उस समय की बात है। उस समय ब्रह्मा कहाँ शरीर छोड़ दिया जो प्रवेश करेगा। और किसी ने पूछा है वरलक्ष्मी और लक्ष्मी में क्या अंतर है। वर माने श्रेष्ठ और लक्ष्मी माने लक्ष्मी। इन दो नामों से ही साबित होता है कि लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाने वाली दो विशेष आत्माएं हैं। एक ने लक्ष्मी पार्टधारी के रूप में श्रेष्ठ पार्ट बजाया। श्रेष्ठता किस बात की होती है। है ब्राह्मणों की भी श्रेष्ठता किस बात से परखी जाएगी। याद का भी रिजल्ट क्या होता है। जितना जास्ती याद करने वाला होगा उतना जास्ती पवित्र बनेगा। तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है। अर्थात लक्ष्मी का पार्ट बजाने वालों में दो प्रकार के पार्टधारी हैं। जिनके संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है। एक है जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा लक्ष्मी जो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है। त्रेसठ जन्मों में भी निष्कष्ट पार्ट नहीं बजाया और संगम युग में भी नीचा पार्ट नहीं बजाया। वर माने श्रेष्ठ पार्ट ही बजाया और उसके मुकाबले जो दूसरा पार्टधारी है लक्ष्मी का वो जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। मन बुद्धि से तो श्रेष्ठ पार्ट बजाया। मन बुद्धि का आकर्षण जगत की किसी भी आत्मा में नहीं गया एक बाप के सिवाय। जिसकी यादगार है भक्ति मार्ग में कि महाकाली का जो पार्ट दिखाते हैं चित्र दिखाते हैं उसमें मस्तक में शिव बाबा का चित्र रखा हुआ है। अर्थात बुद्धि में एक शिव बाबा ही याद है और प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कि पांव से शंकर को दबोचा हुआ है। तो अड़भंगा पार्टधारी कहा जाता है। जैसे शंकर का पार्ट अड़भंगा दिखाते हैं जो तुम बच्चे भी समझ न सको ऐसे ही जगदम्बा का भी पार्ट है
जो बच्चों की समझ में नहीं आता है। इसलिए मुरली में बोला है, रचयिता को समझना फिर भी आसान है, लेकिन रचयिता की रचना को समझना बहुत मुश्किल है। तो जगदम्बा बाप की रचना है। प्रैक्टिकल कर्मों में वो बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसे पार्ट बजाना है जगत जननी बनने का। जगत में सिर्फ देवताएं ही नहीं है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि सभी है। इसलिए सारी दुनिया के बीच में एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसे दिल्ली की गोद में हर धर्म ने राज्य किया है। ये दिल्ली ही जगदम्बा है। इसलिए बोला है कि दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। और बचपन के दिन गुलाना देना कहते हैं, तो ईश्वरी बाली को कहते हैं, ईश्वरी बचपन को कहते हैं। तो जो भी आत्मा ये एडवांस में आए हैं, तो पहले शुरू शुरू में पहले बीके में आया था, तो बच्चों को पिछले जन्म का कहा जाता है, तो उसको कैसा याद है? चाहे बीके हो चाहे पीबीके हो, बीके में आने की भी आदि है वो बचपन है, और पीबीके में भी जब आए थे तो खुशी को देखो, कौन सी कापारी खुशी का पारा चढ़ा हुआ था, वो भी सत्वप्रधानता की स्टेज है। जैसे बच्चा महात्मा होता है, सत्वप्रधान होता है, ऐसी ही स्टेज होती है। इसलिए ब्राह्मणों के दो जन्म कहे जाते हैं, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, द्वि माने दो, ज माने जन्म लेना। एक ब्राह्मणत्व का जन्म है शूद्र से ब्राह्मण बनने का बेसिक में, और दूसरा जन्म है एडवांस में परिपक्व स्टेज पाने का। तो दो जन्म है, जन्म लेते ही पता लगता है कि मैं किस बाप का बच्चा हूं। एडवांस में आते हैं उनको भी पता लगता है कि मैं सूर्यवंशी बच्चा हूं, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य बाप मुझे मिला है। तो सात्विक स्टेज होती है, और सात्विक स्टेज के लिए बोला गया है बचपन के दिन बुला न देना, क्योंकि बचपन में बाप बच्चों को उंगली पकड़ करके चलाता है, उंगली पकड़ करके पुरुषार्थ कराता है। वो बच्चे चलना अपने आप नहीं सीख जाते, ये बाप की दी हुई देन है। इसलिए बोला कि बचपन के दिन बुलाने देना। आज बचपन में हंसे, बड़ी मौज मनाई जब आए थे शुरू शुरू में, फिर बाद में जब तमो प्रधान बनते हैं तो बाप की ही ग्लानी करने लग पड़ते हैं, बाप के ऊपर अनिश्चय बैठने लगता है, अनिश्चय बैठता है तो जैसे कि बच्चा मर गया,
जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे मरते हैं तो बाप रोते हैं, ऐसी बात बताई कि आज हंसे कल रुला नहीं देना, अनिश्चय बुद्धि बन करके। और है डायरेक्ट कोई पीवी के नहीं बनते, जो समझते हैं कि डायरेक्ट पीवी के बन गए वो अपने पूर्व जन्म को भूले हुए हैं। जो भी आत्माएं आती है वो पहले कभी न कभी इस जन्म में या पहले जन्म में बी के बनकर के ही आई है, तब इतना तीव्र गति से बाप को पहचाना है। नहीं तो 70-70 साल पुराने बाप को नहीं पहचान पा रहे हैं, से साबित होता है उन 70 साल वालों ने इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ी है जितने इन नए नए बच्चों ने पढ़ी है। कब पढ़ी है? इस जन्म में तो बीके नहीं थे, ऐसी पढ़ाई कब पढ़ी जो बाप को पहचान लिया। ये सबसे बड़ी शिफ्ट है। क्या दुनिया वालों ने बाप को नहीं पहचाना और इन बच्चों ने बाप को पहचान लिया? और भक्ति मार्ग में हाँ और कितने दिन चलेगा? जब तक दुनिया में 500 करोड़ आत्माएं बाप को नहीं पहचान लेती हैं, तो नच पहचानने से पहले उनका भक्ति मार्ग ही चलता रहेगा। और अभी भी बल कहते हैं कि हम बाप के बच्चे बन चुके हैं, लेकिन कहने वाले आज निश्चय बुद्धि हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं, बाप की ग्लानी करने लग पड़ते हैं। तो भक्त बुद्धि है या ज्ञानी बुद्धि है? है भक्त बुद्धि है। ज्ञान में चलने वाले युगल होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो वो माता नहीं हुई ना, क्योंकि बच्चे तो हुए नहीं, तो कुमारी है ना। उस कुमारी को बाबा सरेंडर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कोई युगल है और वो युगल है अपनी युगल को ईश्वरीय सेवा में सरेंडर करते हैं, चाहे उसको बच्चे हों या न हों, बाबा सरेंडर नहीं करते हैं? करते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं। तो पूछा है कि वो गोपियां नहीं बन सकती? जिनको सरेंडर नहीं करते हैं, पहली बात तो ये बात ही गलत है कि जिन शादीशुदा माताओं को बच्चे नहीं होते हैं तो उनको सरेंडर नहीं किया जाता।
हाँ, उनके युगल अगर परमिशन लेटर लिख करके देते हैं तो सरेंडर हो सकती है, सरेंडर भी हो सकती है और वो गुप्त पुरुषार्थी भी हैं। और गुप्त पुरुषार्थी सिर्फ उनको नहीं कहा जाता, जो कागज पर सरेंडर पत्र लिख देते हैं, गुप्त पुरुषार्थी, बाप से गुप्त संबंध जोड़ने वाले वो भी हैं, जिन्होंने कागज पर सरेंडर पत्र नहीं लिखा है परंतु सारा जीवन श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, वो भी सरेंडर की लिस्ट में है। और गोप गोपियों की लिस्ट में भी है, जिन्होंने अपनी बहन को सरेंडर किया हुआ है, अपनी बेटी को सरेंडर किया हुआ है, अपनी भांजी को स्वेच्छा से सरेंडर किया हुआ है और सरेंडर करने के बाद उस संबंध को निभाते भी हैं, बाप की ग्लानि नहीं करते हैं, संबंध की गहराई को समझते हैं, तो वो भी गोप गोपी हैं, क्योंकि गुप्त संबंध की बात को जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं वो विरोध करते हैं, जो जानते हैं कि बाप के साथ सर्व संबंध गुप्त में है वो जानने वाले ही गोप गोपियां हैं, न जानने वाले गोप गोपियां नहीं है। और भगवान की मुरली सबके लिए है, सारी दुनिया के लिए है, या चुराने और डकैती डालने की बात है? अरे वो कहते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए ना, भगवान तुम्हारे ही चीज है, तुम्हारे कंधे पर ही हमेशा बैठा रहता है, या सारी दुनिया के लिए भगवान की वाणी है? भगवान की वाणी सबके लिए है, सारी दुनिया के लिए है, या किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है? बात खत्म हो गई चुराने की? चुराने की बात तो तब आती है जब किसी की निजी प्रॉपर्टी हो। ईश्वरीय वाणी किसी की निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, तो फिर चुराने और डकैती डालने की बात कहां से पैदा हो गई? तुम तो अपनी दुकान निकाल के बैठे हो, कहते हो ये भगवान की दुकान है और धक्के मारते हो भगवान के बच्चों को। दुनिया में भी ऐसे दूसरे जो धर्म संप्रदाय होते हैं, मठपंथ होते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आने वालों को धक्का मारा जाता हो। नीति नियम के पूर्वक विद्यालय का जो भी नियम है उस नियम का पालन करते हुए अगर कोई भी अंदर आते हैं तो उनको धक्का दिया जाता है क्या? गुरुद्वारे में धक्का दिया जाता है? है? नहीं दिया जाता। जो गिरजाघर है उसमें से धक्का देते हैं क्या? और ये आवजू आवजू करते हैं।
और मुरलियों का अर्थ उनको नहीं समझता है। समझाने वाला उनको मिलेगा तब तो समझेंगे। समझाने वाला इधर है। समझने की दी नहीं है, समझने की इच्छा ही नहीं है। कहते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान कोई मुसलमान का ज्ञान तो नहीं है। जैसे मुसलमान चोटी पकड़ के कहते थे कि हमारी कुरान की बात मानो तो ठीक, नहीं मानोगे तो गर्दन उड़ा देंगे। यहां तो स्वेच्छा की बात है, तुम्हें अच्छा लगता है तो सुनो, हम बार बार आएंगे, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। जब आपके दिल में करे, जब आपको प्यास लगे, भूख लगे तो हम फिर आ जाएंगे। ओम शांति।